गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने कल आपके लिए वीडियो बनाया था। मैंने कहा था एलटी भर्ती प्रक्रिया में रोक लगा दी हाई कोर्ट ने और इस बात की मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन देखिए यहाँ पर को ये प्रूफ हो चुका है। आज की जो है ऑफिशियल न्यूज ये आ चुकी है कि कला वर्ग की एलटी भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। राज्य में चल रही एलटी शिक्षकों की कला वर्ग की भर्ती में अनियमितता संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान बहुत गंभीर और चौंकाने वाला मामले सामने आया है। इसके बाद हाईकोर्ट ने फिलहाल भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। मामले के अनुसार भर्ती प्रक्रिया के दौरान अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होने के बाद पद के लिए आवश्यक योग्यता को अपनी मर्जी से बदल दिया। न्यायमूर्ति रविंद्र पैठाणी की एकल पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मंगलवार सुबह प्रकाश गौड़ और अन्य की याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान सरकार से दोपहर तक ये बताने के लिए कहा कि क्या उसने योग्यता बदलने का निर्देश दिया था, तो सरकार का जवाब आया कि उसने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया था। कोर्ट ये सुनकर हैरान रह गया कि सरकार के इस आशय का कोई निर्देश न होने के बावजूद चयन आयोग ने स्वयं ही निर्धारित योग्यता को बदल दिया। कोर्ट ने आयोग से इस पर जवाब देने के लिए कहा तो आयोग संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इस पर कोर्ट ने आयोग को लताड़ लगाते हुए ये बताने के लिए कहा कि आयोग ने योग्यता कैसे बदल दी। कोर्ट ने ये भी स्पष्ट करने के लिए कहा कि किसने निर्धारित योग्यता में बदलाव किया और किसने इस पर अंतिम निर्णय लिया। कोर्ट ने ये भी पूछा कि आयोग में इसके दोषी पर क्या कार्यवाही की जाएगी। कोर्ट ने आयोग को के जवाब पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जो पूछा जा रहा है वो बताया नहीं जा रहा है और जो पूछा नहीं गया वो जवाब दिया जा रहा है। साथियों, एलटी शिक्षक की भर्ती में कला वर्ग के लिए बीएड की अनिवार्यता खत्म करने को याचू ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। प्रकाश गौड़ और अन्य हाईकोर्ट के याचिका दायर करके कहा कि राज्य सरकार ने 13 अक्टूबर 2020 को एलटी में कला वर्ग के 1431 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसमें बीएड की डिग्री की योग्यता को अनिवार्य किया गया था। याचिका में कहा गया कि 25 फरवरी 2021 को नियमों में बदलाव करके यानी आर्ट्स कला वर्ग में बीएड की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया। याचिका में कहा गया कि बिना बीएड के अभ्यर्थी को भर्ती में शामिल करना गलत है, इस पर रोक लगाई जाए। याचिका में कहा गया कि जिस नियमावली के आधार पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है उसी आधार पर हो और भर्ती प्रक्रिया के बीच में भर्ती के नियम को बदलना गलत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, कला वर्ग में यानी कि ड्राइंग की बात हो रही है, तो यहाँ पर इसमें जो योग्यता में शैक्षिक अर्हता में चेंज किया गया था, पहले इसमें कहा गया था कि बीएड लेंगे, तो फिर बाद में जब कला वर्ग के स्टूडेंट्स ने हंगामा किया तो उन्होंने फिर से बीएड को उसमें हटा दिया। तो यानी कि कहने का कुल मिलाकर ये मतलब था कि आयोग ने ना सरकार से परमिशन ली ना हाई कोर्ट से परमिशन ली, तो कहीं से भी कोई भी परमिशन नहीं ली और सीधे ही खुद के बेस पर इसको बदल दिया। तो इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्शन हुआ है। देखना होगा आगे इसमें क्या डिसीजन आता है। आयोग इसके लिए कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया कोर्ट में। तो फ्रेंड्स, अब ये कन्फर्म हो चुका है, सच में बिल्कुल ये न्यूज़ जो है पक्की न्यूज़ थी और इस पर जो है रोक लग चुकी है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों, धन्यवाद।